द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी वॉन्टेड। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वीजली गिब्सन रहता है, जो अपनी लाइफ को बस किसी तरह झेल रहा होता है क्योंकि उसकी लाइफ की हर तरफ से लगी पड़ी होती है। दरअसल वो जिस ऑफिस में काम करता है वहाँ उसकी बॉस उसे काम के प्रेशर और अपनी बातों से हर वक्त टॉर्चर करती रहती है। टेंशन की वजह से वीजली को रह रहकर पैनिक अटैक्स आते रहते हैं, पूरी दुनिया उसे एक लूजर के नजरिए से देखती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसका बेस्ट फ्रेंड ही उसके पीठ पीछे उसकी गर्लफ्रेंड की ले रहा होता है और वीजली ये सब जानते हुए भी किसी को कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती। पर किसकी किस्मत कब कौन सा मोड़ ले कोई नहीं जानता क्योंकि शहर के दूसरी तरफ आज जो होने वाला रहता है उससे बिजली की पूरी लाइफ बदलने वाली रहती है। हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी को ढूंढ रहा होता है पर उसके पास क्लू के तौर पर बस उस आदमी की एक गोली रहती है जिसे लेकर वो एक एक्सपर्ट के पास जाता है ताकि वो उसे ये बता पाए कि वो गोली यूज करने वाला अभी कहां हो सकता है। पर तभी जो लड़की उस गोली को चेक कर रही होती है उसे दूसरे बिल्डिंग से एक आदमी गोली मार देता है और फिर देखते ही देखते दूसरे बिल्डिंग के बाकी लोग भी इस बिल्डिंग पर गोली चलाने लगते हैं जिस वजह से उस आदमी को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो भाग नहीं रहा होता, वो बस दौड़ने के लिए अपनी जगह बना रहा होता है जिसके बाद हम देखते हैं वो खुद गोली की रफ्तार से उस दूसरे बिल्डिंग की तरफ भागता है और अपने बिल्डिंग से उस बिल्डिंग की तरफ कूद जाता है और जब वो हवा में ही होता है तभी अपने गन से उन सारे लोगों को गोली मार देता है। और इतना ही नहीं, वो गोली को अपने मन के मुताबिक मोड़ भी देता है। सभी को खत्म करने के बाद उसे उस आदमी का कॉल आता है जिसे वो ढूंढ रहा होता है। वो आदमी इससे कहता है कि वो सभी को खत्म करके रहेगा चाहे सभी उसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले। तो उस आदमी की बात सुनकर ये कहता है कि फिलहाल उसने उसका प्लान बर्बाद कर दिया है क्योंकि भेड़िया का शिकार बकरिया नहीं कर सकती। तो वो आदमी इससे कहता है कि वो लोग उसका शिकार करने नहीं आए थे, वो लोग तो बस उसे फंसाने के लिए एक चारा थे। जिसके बाद जब ये अपने नीचे देखता है तो खुद को एक क्रॉस के ऊपर पाता है जिसके बाद वो कुछ समझ पाता। कॉल वाला आदमी उसे मीलों दूर से अपने घर से बैठे बैठे ही गोली मार देता है और यहाँ से शुरू होती है मेन कहानी। इस हादसे के बाद अगली रात को जब बिजली स्टोर जाता है खरीदारी करने, तब एक लड़की जिसका नाम फॉक्स रहता है वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो उसके पिता को जानती थी और वो पिछली सुबह मर चुके हैं। तो बिजली कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने पिता के बारे में बस इतना जानता है कि वो जब पैदा हुआ था तब वो उसे छोड़कर चले गए थे। तो फॉक्स बिजली को बताती है कि उसके पिता के ऐसा करने की एक वजह थी और वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन कातिलों में से एक थे और उन्हें मारने वाला इस वक्त उसके पीछे है। और उसके इतना कहते ही फॉक्स और उस आदमी के बीच बिना रुके गोलियां चलने लगती है जिसे देखकर बिजली को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ अचानक हो क्या रहा है। इधर जब फॉक्स उस आदमी के हमलों को और नहीं रोक पाती तो वो किसी तरह बिजली को लेकर अपने साथ वहां से भाग जाती है और उसे लेकर एक जगह पर जाती है जहां और भी लोग मौजूद रहते हैं और उन सबका लीडर जिसका नाम स्लोन रहता है वो सीधे बिजली के पास आता है और उसे एक गन देकर वहां उड़ रही मक्खियों के पंख पर गोली मारने को कहता है। स्लोन की बात सुनकर बिजली शॉक हो जाता है क्योंकि आज से पहले उसने गन देखा तक नहीं था। पर स्लोन बिजली से कहता है कि अगर वो उसके 3 गिनने तक गोली नहीं चलाएगा तो वो उसे मार देगा। स्लोन के ऐसा बोलने पर बिजली बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है जिससे उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और उसके आसपास की चीजें उसे स्लो और क्लियर दिखने लगती है। जिसके बाद बिजली बिना रुके उस गन की सारी गोलियों को फायर कर देता है जिसके बाद स्लोन बिजली को सारा मामला बताता है कि ये सब बस उन्होंने उसके हुनर को देखने के लिए किया था और वो आज तक जिसे पैनिक अटैक समझता आ रहा था वो दरअसल उसकी खास एबिलिटी है जिसे उसे अपने पिता से विरासत में मिली है जिससे वो किसी भी चीज को आम लोगों से बेहतर तरीके से देख और समझ सकता है। और अब बस उसे जरूरत है थोड़ी ट्रेनिंग की ताकि वो अपने अंदर के कुछ खास हुनर को बाहर निकाल पाए। स्लोन की बात सुनकर बिजली उनसे कहता है कि वो सभी पागल है, उसे उन सबकी बातों पर यकीन नहीं। तो स्लोन बिजली को उसके मारे गए मक्खियों को दिखाते हैं जिससे उसे यकीन हो जाए कि वो झूठ नहीं बोल रहे। और इसके बाद वो बिजली को अपने बारे में बताते हैं कि वो सभी कातिल है और उसके पिता भी उनके परिवार का एक हिस्सा थे। तो अब वो चाहते हैं कि अब वो अपने पिता की जगह ले और उनके कातिल क्रॉस को मारकर अपने पिता की मौत का बदला ले। पर बिजली स्लोन की बात नहीं मानता और वहां से जाने की जिद करने लगता है। तो स्लोन बिजली के जाते जाते उससे कहते हैं कि वो उसे नहीं रोकेंगे क्योंकि ये उसका फैसला है। पर उन लोगों ने उसके पिता की सारी जायदाद अब उसके नाम कर दी है। इसके बाद बिजली की आंख सीधे अगली सुबह अपने अपार्टमेंट में खुलती है जिससे उसे लगता है कि वो सपना देख रहा था। पर जैसे ही वो बाथरूम जाता है उसके पास से स्लोन का दिया हुआ गन गिर जाता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि पिछली रात को जो भी हुआ वो कोई सपना नहीं था। जिसके बाद बिजली तुरंत उस गन को अपने बाथरूम में छिपाकर एटीएम जाता है अपने बैंक बैलेंस को चेक करने और यहाँ भी वो अपने बैंक बैलेंस को देखकर चौंक जाता है कि उन लोगों ने सच में उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, वो भी करोड़ों में। जिसके बाद बिजली में एक अलग जुनून आ जाता है। वो पहली बार टाइम पर ऑफिस पहुंचता है और अपने बैंक बैलेंस को ही घूरता रहता है और न्यूज आर्टिकल में अपने पिता के मर्डर की न्यूज डिटेल में पढ़ने लगता है। और इसी बीच जब उसकी बॉस उसे फिर से टॉर्चर करने आती है तब वो डिसाइड करता है कि उसे इस घटिया जगह में और नहीं रहना। और जाने से पहले बिजली अपनी बॉस की बेइज्जती करता है और अपने अंदर के सालों की भड़ास को उस पर निकाल
देता है और जाते जाते अपने दोस्त का मुंह तोड़ता हुआ जाता है उसके धोखे के लिए। ऑफिस से निकलते ही बिजली देखता है पिछली रात के तमाशे की वजह से पूरे शहर में उसके और फॉक्स से वांटेड पोस्टर छप चुके हैं। पर तभी फॉक्स वहां आकर उसे पिकअप कर लेती है और उसे अपने साथ एक पुराने कपड़ों के मिल में लेकर जाती है, जहां स्लोन को देखते ही बिजली एक्साइटेड हो जाता है और उससे सबके सामने कई सवाल पूछने लगता है। पर स्लोन उसके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देता और उसे कहता है कि वो अभी कुछ भी जानने के लिए तैयार नहीं है, तो कुछ भी जानने से पहले उसे उनके ट्रेनिंग से गुजरना होगा। जिसके बाद फॉक्स बिजली को हैंड टू हैंड फाइट सिखाने के लिए रिपेयरमैन के पास लेकर जाती है, चाकू से फाइट सिखाने के लिए बूचर के पास लेकर जाती है, गन से फाइट सिखाने के लिए गन स्मिथ के पास, और खुद उसे अपने शरीर पर कंट्रोल करना और अपनी आंखों पर फोकस करना सिखाती है। पर एक साथ इतनी सारी ट्रेनिंग की वजह से बिजली की एक हड्डियां टूट जाती है, जिसके लिए वो उसे एक्सटर्मिनेटर के पास भेजती है, जहां उसके जानलेवा जख्म कुछ घंटों में ही ठीक हो जाते हैं और ये ट्रेनिंग बिजली की कई दिनों तक चलती रहती है। पर इतनी ट्रेनिंग के बाद भी जब बिजली कुछ नहीं सीख पाता तो फॉक्स फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे बिना रुके मारती रहती है। जिसके बाद स्लोन बिजली को मोटिवेट करने के लिए उसे उसके पिता के कमरे में लेकर जाता है और उसे उसके पिता के बारे में कुछ कुछ बातें बताता है और फिर बिजली को एडवाइस देता है कि वो तभी कुछ सीख पाएगा जब वो उसे दिल से सीखना चाहेगा और इसके लिए उसे अपने पिता की चीजों से इमोशनली अटैच होना होगा और उनके सारे तरीकों को अच्छे से समझना होगा। स्लोन की बात सुनकर बिजली ऐसा ही करता है, वो अपने पिता के बारे में पढ़ने लगता है और उनके तरीकों को समझकर पूरी जी जान से मेहनत करता है। जिसके बाद जब वो पूरी तरह से हर चीज सीख जाता है तब स्लोन उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे सब कुछ एक एक करके समझाना शुरू करता है कि वो कौन है और करते क्या है। स्लोन बिजली को बताता है कि वो हजार साल पुराने कातिलों के परिवार का हिस्सा है जो दुनिया में संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं और वो बेवजह ही किसी को नहीं मारते। दरअसल उन्हें फैक्ट्री में बने कपड़ों के जरिए पता चलता है कि उन्हें किसे मारना है और कपड़ों में उन्हीं का नाम लिखा होता है जो आगे चल के या फिर मौजूदा वक्त में ही आम लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। सभी चीजों को समझाने के बाद स्लोन बिजली को भी एक नाम देते हैं और उसे उस नाम वाले आदमी को मारकर खुद को साबित करने को कहते हैं कि अब वो भी उनमें से एक बन चुका है। जिसके बाद बिजली फॉक्स के साथ उस आदमी को मारने निकल जाता है, पर उस आदमी के सामने आने पर वो उसे मार नहीं पाता। बिजली फॉक्स से कहता है कि उसका दिल उसे ये करने की इजाजत नहीं दे रहा क्योंकि वो किसी कपड़े के भरोसे किसी की जान नहीं ले सकता, क्योंकि उसे ये तक भी पता नहीं है कि वो जिसे मारने आया है उसका जुर्म क्या है। बिजली की बात सुनकर फॉक्स उसे उस आदमी के बारे में बताती है कि वो वही आदमी था जिसने उसके पूरे परिवार को उसकी आंखों के सामने मार दिया था, क्योंकि उसकी ही तरह सालों पहले किसी ने उसे मारने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से वो आदमी ना जाने कितने जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। ये बताकर फॉक्स बिजली से कहती है कि वो लोग कभी कपड़ों पर आए नाम पर शक नहीं करते क्योंकि कपड़े कभी गलत नाम नहीं देते। फॉक्स की बात सुनकर बिजली को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद बिजली तुरंत फॉक्स के साथ जाकर उस आदमी को मार देता है और इसके बाद स्लोन उसे आए दिन एक नया नाम देते रहता है। पर किसी में भी क्रॉस का नाम ना होने से बिजली फ्रस्ट्रेट हो जाता है और स्लोन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे क्रॉस को मारने की इजाजत दे दी जाए, पर स्लोन बिजली से तब तक इंतजार करने को कहता है जब तक क्रॉस का नाम कपड़ों में नहीं आ जाए। स्लोन की बात सुनकर बिजली इंतजार करने के लिए मान जाता है, पर इसी बीच एक दिन जब बिजली फॉक्स के साथ बाहर जाता है तब क्रॉस उस पर अचानक अटैक कर देता है और ये बात जैसे ही एक्सटर्मिनेटर को पता चलती है वो तुरंत उसे बचाने के लिए आता है क्योंकि इतने वक्त में वो बिजली का दोस्त बन चुका होता है। पर बिजली गलती से उसे क्रॉस समझकर गोली मार देता है और उसी वक्त बिजली का ध्यान जैसे ही एक्सटर्मिनेटर की वजह से भटकता है, क्रॉस तुरंत उसे कंधे में गोली मार देता है जिससे बिजली बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो एक्सटर्मिनेटर को अपनी आंखों के सामने तड़प कर मरता देखता है। जिसके बाद बिजली क्रॉस पर और भी ज्यादा भड़क जाता है, जिसके बाद जब वो अपने कंधे पर लगे गोली के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि क्रॉस ने जानकर पहली बार ऐसी गोली यूज किया है जिसे ट्रेस करना बहुत आसान है। और ये जानने के बाद कि वो गोली क्रॉस ने कहां से ली है, बिजली स्लोन से लड़ने लगता है कि उसे किसी भी कीमत पर क्रॉस को मारना है क्योंकि क्रॉस अब उसे जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रहा है। बिजली को गुस्से में देखकर स्लोन उसे शांत होने को कहता है क्योंकि वो जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है वो आ चुका होता है, कपड़े ने इस बार मरने के लिए क्रॉस को चुना होता है। स्लोन की बात सुनकर बिजली तुरंत फॉक्स के साथ उस जगह पर जाता है जिस जगह से क्रॉस ने वो गोली ली थी, जो कि एक चर्च रहता है जहां से कातिलों के परिवार की शुरुआत हुई थी। बिजली वहां जाकर क्रॉस के खास आदमी पेकवॉस्की को पकड़ लेता है और उससे क्रॉस का ठिकाना पूछता है, जिसके बाद पेकवॉस्की बिजली और फॉक्स को लेकर अपने साथ मेट्रो स्टेशन जाता है। पर यहां पेकवॉस्की इन दोनों के साथ एक गेम खेल देता है, वो फॉक्स का ध्यान भटकाकर उसे बिजली से दूर कर देता है और बिजली क्रॉस को ट्रेन के अंदर देखकर उसे मारने घुस जाता है। पर जब ट्रेन के अंदर बिजली और क्रॉस लड़ रहे होते हैं तभी फॉक्स एक कार की मदद से ट्रेन के अंदर घुस जाती है, लेकिन उसके ऐसा करते ही ट्रेन के पहिए झटके की वजह से टूट जाते हैं, जिसके बाद जब गार्ड ब्रेक लगाता है तो ट्रेन अपना बैलेंस खोकर पटरी से उतर जाती है और खाई में गिर जाती है। पर जब बिजली भी गिरने लगता है तब क्रॉस वहां आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी बिजली बिना कुछ सोचे समझे क्रॉस पर गोली चला देता है। जिसके बाद जब वो बॉगी खाई में फंसकर रुकती है जिसमें बिजली क्रॉस और फॉक्स रहते हैं, तब क्रॉस बिजली को मरने से पहले बताता है कि उसने गलत लोगों पर भरोसा किया है, उसका पिता वो नहीं जिसे उसने मारा था बल्कि उसका पिता वही है। क्रॉस की बात सुनकर बिजली फॉक्स से सच्चाई पूछता है तो फॉक्स उससे कहती है कि क्रॉस सच कह रहा है, तो बिजली उससे कहता है कि उन्होंने उसे झूठ क्यों कहा, तो फॉक्स कहती है कि एक वही था जिसे क्रॉस कभी नहीं मारता, और ये कहकर फॉक्स बिजली से कहती है कि अब उसे भी मरना होगा क्योंकि कपड़े पर उसका भी नाम आया है। पर इससे पहले फॉक्स उसे गोली मारती बिजली ट्रेन का कांच तोड़कर पानी में कूद जाता है, जिसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को अपने पुराने घर के अपोजिट वाले घर में पाता है और उसके सामने पेकवॉस्की बैठा हुआ होता है, जिसके बाद
कोस की बिजली को बताता है कि उसके पिता कभी उससे दूर गए ही नहीं थे। वो हमेशा उसके पास रहकर उसकी हिफाजत करते थे, बस उसकी सेफ्टी के लिए वो कभी उसके सामने नहीं आए थे। इसके बाद पेकोस की बिजली को स्लोन की असलियत के बारे में बताता है कि स्लोन ही है जिसने सबको धोखा दिया है। दरअसल बहुत वक्त पहले उन कपड़ों पर स्लोन का नाम आया था, जिसके बाद स्लोन ने खुद को बचाने के लिए सबसे ये राज छिपा कर रखा और फिर अपने फायदे के लिए वो उन लोगों को मरवाने लगा जिनका कपड़ों के नाम से कोई लेना देना नहीं था। पर जब स्लोन का ये राज उसके पिता को पता चला तो उन्होंने स्लोन के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया। सारी सच्चाई जानने के बाद विजली स्लोन से बदला लेने का डिसाइड करता है, जिसके बाद उसे अपने पिता का सीक्रेट कमरा मिलता है, जहां उसे असल में अपने पिता के बारे में पता चलता है कि वो क्या थे और क्या क्या कर सकते थे। और वहीं विजली को बहुत सारे छोटे छोटे टाइम बॉम्ब भी मिलते हैं, जिसके बारे में उसने पहले एक्सटर्मिनेटर से सुन रखा था कि उन्हें यूज कैसे किया जाता है। इसके बाद विजली एक कचरे के गोदाम में जाता है और वहां से बहुत सारे चूहों को पकड़ कर लाता है और उन सारे बॉम्ब को उन चूहों पर फिट कर देता है। और इसके बाद विजली उन सारे चूहों को स्लोन की फैक्ट्री में जाकर छोड़ देता है, जिसके बाद चूहे फैक्ट्री के हर कोने में जाकर जैसे ही फटते हैं बिजली तुरंत बिना किसी को संभलने का मौका दिए सभी पर अटैक कर देता है और एक एक करके फैक्ट्री के सभी लोगों को मार देता है। पर जैसे ही वो स्लोन के पास पहुंचता है फॉक्स गन स्मिथ के साथ उसे घेर लेती है, पर इससे पहले वो उसे मारती बिजली सभी को स्लोन की सच्चाई बता देता है। पर स्लोन भी यहाँ एक गेम खेल देता है, वो वहाँ मौजूद सभी को वो कपड़े देता है जिनमें उनका नाम लिखा होता है और उनसे कहता है कि अब उनके पास एक ही रास्ता है, या तो सच्चाई के रास्ते पर चलकर खुद को गोली मार लो या फिर बिजली को मारकर सारा मामला खत्म कर दो। और ये कहकर स्लोन वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद स्लोन के जाते ही सभी जैसे ही बिजली को मारने के लिए तैयार होते हैं फॉक्स अचानक अपना इरादा बदल देती है और बिजली को बचाने के लिए खुद के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी को गोली मार देती है, क्योंकि बिजली के साथ रहते रहते उसे भी उससे प्यार हो गया था। पर वो अब तक स्लोन की बातों को सच मानकर बिजली से दूर रहती आ रही थी। सब कुछ खत्म होने के बाद बिजली जब उस जगह से वापस लौटता है तो देखता है स्लोन ने उसके सारे पैसों को वापस ले लिया है और अब वो फिर से पहले की तरह रोड पर आ चुका है, जिसके बाद कुछ दिन बाद बिजली वापस से अपने उसी कंपनी में बैठकर काम कर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं स्लोन बिजली को मारने आता है, पर वो जैसे ही बिजली के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि जिसे वो बिजली समझकर आया था वो कोई और ही है। और तभी स्लोन को एक कॉल आता है और वो कॉल बिजली का रहता है और वो स्लोन से कहता है कि उसके सामने जो बैठा है वो तो बस एक चारा था। जिसके बाद जब स्लोन नीचे देखता है तो वो भी खुद को क्रॉस के निशान के ऊपर पाता है, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी भी लग चुकी है। जिसके बाद उसी वक्त उसकी खोपड़ी को चीरती हुई एक गोली बाहर निकलती है और वो गोली बिजली ने ठीक अपने बाप की तरह मिलो दूर से अपने घर में बैठे बैठे चलाया होता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।